हेलो एवरीवन, टेस्टी ट्रीट्स में आपका स्वागत है। आज मैं क्रिस्पी चना साग की पकौड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस चना साग की सब्जी और चटनी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ चना साग लिया है और इस चना साग को मैंने अपने गार्डन में उगाया है। पकौड़ा बनाने के लिए हमें फ्रेश साग का यूज़ करना है और साग के मोटे वाले डंठल को आप हटा दें। इसे 3 से 4 बार अच्छी पानी से धो दें जिससे इसका मिट्टी सारा निकल जाए। अब इसे हमें बारीक काट लेना है। चना साग की सब्जी बनाने में हमें चना साग को बारीक काटना रहता है, पर पकौड़ा में थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं। इसे अब हमें एक बर्तन में डाल देना है। उसमें 4 बड़े चम्मच बेसन डालें, साथ में 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। स्वादानुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालना है। अब एक सिलबट्टे में 5 लहसुन, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्च डालकर कूच ले। इसे कूचने वक्त थोड़ा सा नमक डाल दे। नमक डाल देने से बहुत आसानी से ये क्रश हो जाते हैं। इसे हम साग में डाल देंगे। सभी सामग्री को हमें अच्छी तरह मिला लेना है। इसमें हमें बिना पानी डाले ही मिलाना है। मुझे मिलाने के बाद बेसन की क्वांटिटी थोड़ी कम लगी, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच बेसन और डाला और इसे अच्छी तरह मिला दिया। इसका हमें हल्का मोटा बैटर ही तैयार करना है। बेसन हमें उतना डालना है जिससे पकौड़ा में एक अच्छी बाइंडिंग आ जाए। गैस पर एक कढ़ाई रखें, इसमें तेल डालें। सरसों तेल में छना हुआ यह पकौड़ा बहुत स्वादिष्ट लगता है। तेल को हमें अच्छी तरह गर्म कर लेना है। पकौड़ा के बैटर में 1/4 चम्मच कलौंजी और 1/4 चम्मच अजवाइन डालना है। अजवाइन और कलौंजी को बैटर में अच्छी तरह मिलाकर हम पकौड़ा तल लेंगे। इसके छोटे छोटे पकौड़े बनाते हुए तेल में डाल दें। इस पकौड़ा को फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। यह पकौड़ा खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसे आप चाय के साथ सर्व करें या चावल के साथ भी इस पकौड़ा को खा सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर दें। एक तरफ से ये जब अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए तब इसे उलट पलट कर चारों तरफ से क्रिस्पी कर लेंगे। जब पकौड़ा अच्छी तरह फ्राई हो जाए तब इसे तेल से बाहर निकाल लें। इसी तरह हमें बाकी बचे बैटर से भी पकौड़ा बना लेना है। चना साग का पकौड़ा आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची यह पकौड़ा बनकर तैयार होता है। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पकौड़े देखने में ही बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं। पकौड़े बनके तैयार हैं। इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।